Realme के लिए 2019 बिल्कुल राजा बेटा वाला साल रहा। बहुत सारे इनके धाकड़ वाले फोन 2019 में लॉन्च हुए, जैसे Realme का 5 Pro, Realme का 5, Realme का XT और साथ में फ्लेक्सी फोन भी इंडिया में इन्होंने लॉन्च कर दिया। बहुत सारी इंडिया वाली जनता को इंतजार है Redmi के Note 9 Pro का, Redmi के K30 का और साथ में Realme 5 Pro के सक्सेसर का भी इंतजार है, जो होने वाला है Realme 6 Pro। आज मैं आपको Realme 6 Pro के कुछ लीक के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ी सी चीजें बहुत ही जल्दी कंफर्म होने वाली हैं, क्या कुछ मुझे लगता है, चलिए अब उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। वैसे Realme के 5 Pro में आपको मिल जाता है Snapdragon का 712, तो यार यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है Realme 6 Pro में वो भी होने वाला है Snapdragon का, और हो सकता है यहां पर आपको Snapdragon का 730 मिल जाए। ये जो प्रोसेसर है ये भी बहुत ही मक्खन और मलाई जैसे वाला प्रोसेसर है, यहां से भी आप PUBG कमाल की सेटिंग में खेल सकते हैं। वैसे Realme का जो 6 Pro आएगा ना, यहां पर आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो भी अच्छी वाली मिलने वाली है। अभी तक आपको Realme के सारे डिवाइस पे वही चंदन टीका वाली डिस्प्ले मिलती है, मतलब ऊपर की तरफ नॉच, इस बार आपको वाटर ड्रॉप नॉच हो सकता है ना मिले, यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाए, बीच की तरफ एक टीका लगा होगा वहीं पर आगे वाला कैमरा हो सकता है। बहुत सारी ये भी उम्मीद है कि यार इस बार भी आपको Realme के 6 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना मिले, क्योंकि यार इतना बड़ा अपग्रेड तो मेरे हिसाब से Realme नहीं करेगा, लेकिन यहां पर आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। चलिए डिस्प्ले और डिजाइन के मामले में यहां पर आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। यहां पर आपको Realme का जो खुद का OS है ना वो मिलेगा। यदि हम बात कर लेते हैं यहां पर बैटरी की, तो यहां पर भी आपको बड़ी सी बैटरी दी जाएगी 4000 mAh की कम से कम, और साथ में आपको वूक चार्जर मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट भी होगा, साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट तो पक्का ही आपको मिलेगा, उसके साथ साथ 3.5 mm ऑडियो जैक भी होगा, और हो सकता है आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिल जाए। लेकिन यार आज की डेट में कैमरा भी बहुत ज्यादा मस्ट होता है, यहां पर भी आपको 4 कैमरे मिलने वाले हैं। यहां पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, लेकिन बहुत सारे लीक ये भी बता रहे हैं कि यार यहां पर आपको 5 कैमरे मिलेंगे, लेकिन मेरा तो दिल यही कह रहा है कि यार यहां पर आपको 4 कैमरे मिलेंगे, कहीं पांचवा कैमरा इन्होंने दे दिया तो यार ये तो सोने पे सुहागा होगा। उसके साथ साथ यहां पर आपको जो सेल्फी कैमरा मिल सकता है वो हो सकता है 32 मेगापिक्सल का, लेकिन यार इस फोन का क्या प्राइस होगा और कब ये फोन इंडिया में दस्तक देगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 14-15 हजार के आसपास, क्योंकि यार Realme का जो ये 5 Pro है, जो ये वाली सीरीज है ना, इन फोनों का जो प्राइस होता है वो 14-15 हजार के आसपास होता है। 14-15 हजार रुपए में यदि ये फोन इंडिया में आ जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा, और ये फोन आपको क्वार्टर 1 2020 का जो अब चल ही रहा है इसी में इंडिया में दस्तक दे जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यार Realme के 6 Pro में Realme क्या गेम खेलता है, क्योंकि इनकी जो टक्कर होने वाली है वो होने वाली है Redmi के Note 9 Pro से। अब देखते हैं यार Redmi के Note 9 Pro में क्या आएगा और साथ में Realme के 6 Pro में क्या आएगा। अब आप मुझे बताइए कि यार आपको किस फोन का इंतजार है, Realme के 6 Pro का या Redmi के Note 9 Pro का, और आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, जो कुछ आप बोलना चाहते हैं, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं वो यार नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं, भैया क्यों रुके हुए हो, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, जल्दी से बेल बटन को दबा दो, मन करे तो लाइक और शेयर के बटन को भी दबा दो, और ये सारी की सारी बटन ना बिल्कुल ही निशुल्क है, मतलब यार आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।